एम ट्रिगर विच इज मैकेनिकल ट्रिगर, बच्चों ने डिफरेंस कहा। डिफरेंस हाँ, बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड मैनुअल ट्रिगर। मैनुअल मैनुअल ट्रिगर। देखिए स्टार्ट करके फिर वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन टुडे, या नो एंड वी प्रॉब्लम। कैन आज बच्चों को ये भी बता देंगे कि इंटरेक्शन में देख। जितेश, कैन यू हियर मी? जितेश जितेश हाँ यस जितेश, आई विल रिक्वेस्ट द किड्स टुडे टू रेज द हैंड। सो जिनके हैंड्स रेज हो रहे हैं, आप उनको क्वेश्चन पूछने के लिए प्लीज उनकी ऑडियो को ऑन कर, उनकी ऑडियो, उनकी ऑडियो ऑन कर देना, ठीक है? चैट्स। हाँ, वो चैट्स पे क्वेश्चंस भी डालें, एंड देन जब क्वेश्चन ले रहे होंगे, वी विल आई टेल यू कौन सा क्वेश्चन है, या आप खुद देख लीजिएगा, एंड यू कैन जस्ट अनप्लग द, आस्क द चिल्ड्रन टू बी इंटरैक्टिव टुडे। वी वांट द किड्स टू गेट मोर इंटरैक्टिव, आस्क क्वेश्चंस विद ओम प्रकाश सर। ओके ओके। जैसे अगर आप देखिए, श्रवण मिस्टर ने ऑलरेडी हैंड रेज किया है, सो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन टू हिम देन। ओके जितेश, यस सर। हाँ, हैव यू सीन, इट्स ऑलरेडी ऑन आवर स्क्रीन, द समबडी इज रेज द हैंड, सो सर को, सर के भी स्क्रीन पे आ जाएगा। सो इंटरेक्शन के टाइम पे जस्ट, हाँ, यू कैन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है सर। तो जो क्वेश्चन था वो ये था कि मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर के अंदर क्या डिफरेंस है। हाँ तो जी, मेन तो ये है कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जब आज से 10-15-20 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक पिस्टलें नहीं हुआ करती थी तो मैनुअल ही था सब कुछ। मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट का फर्क है, और हल्का सा एक ये चीज अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अपन कई बार ड्राई कर सकते हैं, तो ट्रिगरिंग की प्रैक्टिस है उसके लिए थोड़ा सा बेटर रहता है। कि जैसे कई एक्सरसाइज हैं कि एक शॉट फायर किया उसके बाद वहीं पे एक ड्राई करके आना है नीचे, या एक बार में 5-6 अपन ड्राई कर सकते हैं, 5-6 शॉट रिलीज कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए ये थोड़ा बेनिफिशियल है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैनुअल ट्रिगर ठीक नहीं है, क्योंकि मैनुअल बहुत से वर्ल्ड के टॉप शूटर्स हैं या फिर ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जो कि मैनुअल ट्रिगर ही यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक जानबूझ के यूज नहीं करते। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का अगर ट्रिगर मैकेनिज्म खराब हो गया तो ऑन द स्पॉट आप कुछ भी करके ठीक नहीं कर सकते अगर आपके पास में स्पेयर पार्ट नहीं है। तो इसलिए कुछ लोग इस चीज को एज ए डिफेंस मान करके मैनुअल पे ही चलते हैं, क्योंकि मैनुअल में कुछ एक स्क्रू का एडजस्टमेंट किया और ट्रिगर वापस चालू हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का अगर कुछ सर्किट वगैरह कुछ वो शॉर्ट सर्किट हो गया सर्किट के अंदर या कुछ भी हुआ है, तो उसमें सिर्फ पार्ट चेंज करना होता है, और पार्ट जो जितने भी पिस्टल हैं सारे इंपोर्टेड हैं, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी के मेड इन हैं, तो वहां से इंपोर्ट करना उस पार्ट को, सर्किट को, इतना इजी नहीं होता, कॉस्टली भी होता है और टाइम भी ले लेता है, तो उतने टाइम के लिए आपकी पिस्टल डंप होगी। तो इसलिए दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन दोनों के ही अपने फायदे नुकसान हैं। जितेश, कैन यू अनप्लग, आस्क, लेट हर आस्क, श्रवण इज आस्क, रेज हिज हैंड, कैन यू आस्क देम टू अनम्यूट हिम प्लीज। जितेश अनम्यूट है सर। जितेश श्रवण बोलिए। हाँ श्रवण बोलिए, प्लीज अनम्यूट, टेल, बताइए। यस सर, आई एम ऑलरेडी अनम्यूटेड श्रवण। हाँ श्रवण, आपका क्वेश्चन क्या है, प्लीज बताएंगे बेटा? वी कांट हियर यू बेटा। हाँ, देयर इज, यू हैव टू अनम्यूट योर, या प्लीज अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट। सर मैच जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट मैच के स्टार्टिंग में सीरीज बहुत गंदी लगती है और बाद में धीरे धीरे वो अच्छी लगती है, तो ऐसा क्यों होता है सर? इसी के ऊपर
बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, इसी के ऊपर आज बताने वाला हूँ आगे, आप ध्यान से सुनते रहिए पूरे सेशन को, आज इसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। जिन लोगों का फर्स्ट सीरीज खराब जाता है, सेकंड सीरीज खराब जाता है, या फिर 9 शॉट 10 में मारने के बाद 10वां शॉट 10 नहीं मार पाते हैं, या फिर प्रैक्टिस में बहुत अच्छा करते हैं मैच में नहीं कर पाते हैं, तो इन सब सवालों के जवाब मैं आज देने वाला हूँ आप लोगों को। तो ये सवाल आप बने रहिए लाइन पे, आपका सवाल बिल्कुल अभी लेने वाला हूँ मैं, जब सेशन स्टार्ट करूंगा तो इसी के ऊपर जाऊंगा। आज अपना मेन मुद्दा यही है, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है आपका और साइकोलॉजी आज हमारा मेन टॉपिक है। ओके सर, और सर माइंड ट्रेनिंग के लिए यानी कि साइकोलॉजी ट्रेनिंग के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, वो भी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, मेंटल ट्रेनिंग भी अपना पार्ट है। सबसे पहले मैं डाइट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मेंटल ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के बारे में। इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप तब तक कंट्रोल करके बैठिए, मजा आने वाला है सेशन के अंदर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप लोग ना लें, क्योंकि आप अगर आज कोई भी इसके अलावा क्वेश्चन करेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप लोगों का नुकसान है, ये उतना ही टाइम शॉर्ट पड़ेगा और मैं नहीं बता पाऊंगा वो चीज। तो इसलिए अच्छा, आप लोग बने रहें और सुने पूरी चीज को आप जो बताने सर। और सर डायरी भी कैसे मेंटेन करनी है ये उसके भी लिए थोड़ा? बेटा उसके लिए बेटा मेरा एक यूट्यूब चैनल है शूटिंग कोच ओम प्रकाश चौधरी के नाम से, उसके अंदर डायरी मेंटेन करने के बारे में पूरा एक वीडियो बना हुआ है, क्या क्या चीजें उसमें लिखनी होती है, कैसे लिखनी होती है, क्या फायदे क्या नुकसान है, वो पूरा डायरी का एक वीडियो है, आप वो देख ले। अच्छा ओके सर, थैंक यू, वेलकम। तो सर स्टार्ट करें फिर? हाँ स्टार्ट करिए सर प्लीज। थैंक यू। तो आज अपना जो सेशन का स्टार्टिंग है वो अपन स्टार्ट करेंगे डाइट से, अपना जो है डाइट का इम्पोर्टेंस रखती है अपने सेशन इसी शूटिंग के लिए। तो डाइट के अंदर जब हम जाते हैं तो मेन सबसे सिंपल चीज ये है कि आप बॉडी के अंदर जैसा डालेंगे, जैसा आपका भोजन होगा, जैसा आपका खाना होगा, आपकी बॉडी वैसा ही काम करेगी। ये एक ये समझ के चलिए कि सीडी प्लेयर की तरह है कि जैसा कैसेट आपने सीडी के प्लेयर के अंदर डाला है आपको वैसा ही मूवी दिखेगा। मूवी की डालोगे तो मूवी दिखेगी, भजन की डालोगे भजन दिखेगा, या गेम की डालोगे तो आपको गेम दिखेगा टीवी के ऊपर। तो डाइट इतना रोल रखती है, जैसी आपकी डाइट होगी वैसा ही आपके विचार होंगे, वैसी आपकी बॉडी होगी, वैसी आपकी पूरी इनर सेल्फ आउटर सेल्फ वैसी ही बन जाएगी और आप उसी तरह का काम करोगे। आप गलत खाना खा के चाह करके भी अच्छा काम नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका जैसा प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका फूड भी होना चाहिए। तो हमारा जो प्रोफेशन है, जो शूटिंग है, ये बड़ा सात्विक काम है, ठीक है? तो इसके अंदर हमें तामसिक भोजन की तरफ हम नहीं जा सकते। तामसिक भोजन क्या होता है? जो ज्यादा मिर्च मसाले वाला है, स्पाइसी है, ऑयली है, ऐसा जो भी भोजन है वो सारा तामसिक के अंदर आता है। तो तामसिक हम इसके अंदर ग्रहण नहीं कर सकते, सात्विक भोजन होना चाहिए। अब उस सात्विक के अंदर भी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर देखिए सबसे जरूरी चीजें बॉडी के लिए क्या क्या, पहले तो वो देखना जरूरी है कि अपने लिए बॉडी को मसल्स हैं तो मसल्स के लिए क्या करना है, अपने को प्रोटीन चाहिए उसके लिए। उसके बाद में अपने और बाकी फंक्शन को काम करने के लिए विटामिन चाहिए, आंख काम करेगी, ब्रेन काम करेगा, उसके बाद हमारी स्किन अच्छी रहनी चाहिए। तो इन सब चीजों को हेल्दी रखने के लिए विटामिन्स का जो है वो इंटेक करना बहुत जरूरी है। तो अब ये चीजें हमें मिले कैसे, उसके बाद मिनरल्स भी आते हैं, मिनरल्स भी बहुत जरूरी है। तो डाइट में क्या होना चाहिए, एक तो खाने का समय बड़ा जरूरी है कि किस समय हम क्या खाएं। कोई आदमी अगर सुबह उठते ही दूध पी रहा है, वैसे हमारे इंडियन कल्चर के अंदर एक सेट कल्चर है कि हमारे भोजन के अंदर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट, जहाँ मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, सब्जी रोटी दाल उसके बाद दही, ये मेन डिश है, ठीक है? तो आज सब्जी रोटी और दाल बन गई तो कल क्या बनेगा, दाल रोटी और सब्जी, और परसों क्या बनेगा, दही रोटी सब्जी, और उसके बाद दाल रोटी सब्जी दही। मतलब ये चारों चीजों को आप आगे पीछे लिखते रहो घुमाते रहो, बनना यही है। तो हमारा एक सेट पैटर्न है, ठीक है, हर चीज के अंदर। तो इस पैटर्न को क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि हम ऑर्डिनरी लोग नहीं है, हम स्पोर्ट्समैन बन गए, हम खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से चलना बहुत जरूरी है। तो कोई अगर सुबह उठते ही दूध ले रहा है तो वो रिकमेंड नहीं है। सुबह आप जितना हो सके फल लें या फल का जूस लें, इस टाइप से आप दिन की शुरुआत करें। और दोपहर में आप दही या लस्सी होती है वो ले सकते हैं, रात को दूध ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपन डाइट का जो टाइमिंग है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इंटेक करें। प्रोटीन के अंदर क्या है, स्प्राउट ले सकते हैं, स्प्राउट में मूंग ले लिया, मूंगफली ले ली, उसके बाद में चना ले लिया, उसके बाद में अपना बादाम ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट जितने हैं वो खा सकते हैं।
दाल है जो अपनी सब्जी के अंदर आप यूज कर सकते हैं सब, और क्या नाम है आपका, जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो अंडा खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, या और जो भी सोर्सेज हैं वो यूज कर सकते हैं प्रोटीन के इंटेक के लिए। वैसे ही विटामिन्स के लिए तो सारे फल हैं, उसके बाद फलों के अंदर भी कई सारे हैं, जैसे विटामिन सी लेना है तो अपने को जो खट्टे फल हैं ए लेना है, गाजर खाइए, पालक खाइए, तो ऐसे ही करके हर एक जो बॉडी पार्ट के लिए एक निश्चित विटामिन तय है कि उस बॉडी पार्ट के लिए वो चाहिए। आँख के लिए अगर विटामिन ए चाहिए तो हो सकता है स्किन के लिए विटामिन सी चाहिए, तो वो सारे हमें एक निश्चित मात्रा में लेने जरूरी हैं। अब उनका टाइमिंग भी है कि किस टाइम पे क्या खाना है, कि रात को आप विटामिन सी ना खाएं नहीं तो एसिडिटी होगी, तो वो भी बड़ा मैटर करता है। तो इस चीज को बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लें। और दूसरी चीज, जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर, इंडिया के या फिर साउथ एशिया की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मैं कंट्रीज में गया हूँ इंडिया के आसपास, अपना पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट के पीछे भागते हैं। हमारे नॉनवेज या वेज कुछ भी बनता है तो हमें टेस्ट पक्का चाहिए उसके अंदर। तो टेस्ट के लिए क्या करते हैं, चिकन बना रहे हैं तो दे भून के, दे तड़का, उसमें वो मिर्च मसाला प्याज व्याज डाल करके इतना टेस्टी और खुशबूदार बनाएंगे, लेकिन उसका जो न्यूट्रिशनल पावर है वो हमने कढ़ाई में ही खत्म कर दी भून भून करके, तो वो नहीं होना चाहिए। चिकन का मतलब है कि उसको बॉईल करो सिंपल तरीके से, एक कढ़ाई के अंदर या किसी के अंदर भी उबाल लिया, वो पानी उबला, पानी के अंदर आप कटा हुआ टमाटर, प्याज, काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा, इलायची, सौंफ, जीरा, ये सब उसी के अंदर डालिए, उसी में चिकन छोड़ दीजिए, उबलने दीजिए, उबल गया, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा, अगर फैट भी जरूरी है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आप अगर मोटे नहीं है आपको चाहिए थोड़ा सा फैट होना चाहिए, एक चम्मच घी डाल दिया, उसी को छानिए, उस सूप को पी लीजिए, उस चिकन को खा लीजिए, अंडा है तो उसको बॉयल करके खाइए। तो इस तरीके से आपको खाना है। पनीर खा रहे हैं तो पनीर बोलो शाही पनीर बना लो, आज पनीर लबाबदार बना लो, आज कढ़ाई पनीर बना लो, या चिल्ली पनीर बना लिया, तो वो पनीर आपके काम का नहीं है, वो कोई घर में बैठा ऑर्डिनरी आदमी है उसके लिए ठीक है, लेकिन खिलाड़ी के लिए पनीर का मतलब क्या है, पनीर आपने पीस काटे उसके ऊपर आपने उसके साथ में आप या तो स्प्राउट्स अपना मूंग वगैरह ये सब जो अंकुरित अनाज है वो डाल दिया, प्याज टमाटर गाजर हरी मिर्ची ये सब डाली उसके ऊपर रखा, धनिया के पत्ते डाले और खा गए उसको कच्चा, तब जाकर के उसका जो एक्चुअल पावर है उसमें कैल्शियम है या विटामिन है या प्रोटीन है वो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। आप सोचते हैं कि मैं घर में पनीर लबाबदार बन रहा है, पनीर खा लिया और फील कर रहे हो कि मैं तो आज बड़ा फिट हूँ, प्रोटीन आ गया मेरे अंदर या कैल्शियम आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, खत्म कर दिया है कढ़ाई के अंदर ही। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्या है, एल्यूमिनियम का बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर हम लोग खाना बनाते हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब तक ब्रिटिश लोगों ने हिंदुस्तान को बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी भी हैं, लेकिन बहुत बड़ा सत्यानाश भी किया है। वो क्या किया है कि वो एल्युमिनियम उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर नहीं था, एल्युमिनियम जब अंग्रेज आए उसके बाद हमारे पास में एल्युमिनियम आया है, और जब जेलों के अंदर क्रांतिकारी ही जाते थे और कोई क्राइम के अंदर जेल में नहीं जाते थे लोग, क्राइम की मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी, इतना डरा करके रखते थे लोगों को, तो क्रांतिकारियों को जेल में भेजा जाता था, उन जेलों के अंदर उनको धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी पावर और मेंटल पावर और जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस और एक जो क्रांति के लिए जो भावना होती थी उसको खत्म करने के लिए क्या करवाया जाता था, उनको एल्युमिनियम के बर्तन के अंदर खाना दिया जाता था, ताकि धीरे धीरे वो स्लो पोजन उनकी बॉडी के अंदर जाए और वो कैंसर के शिकार हो जाएं, और उसके बाद में उनकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाए तो उनके अंदर जो जोश है वो खत्म हो जाए देश के लिए लड़ने के लिए, इसलिए जेलों के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। पुरानी फिल्मों को देखेंगे तो आप देखते हैं कि जेल में कैदी को खाना देते हैं तो एक एल्युमिनियम की प्लेट फेंकते हैं, उसके अंदर दो रोटी के टुकड़े पड़े होते हैं, तो वो आप उससे भी सीख सकते हैं, उससे देख सकते हैं। तो ये एल्युमिनियम तब से हिंदुस्तान में आया, लेकिन उसके बाद जेलों से निकल करके ये हमारे घरों तक पहुंच गया, और आज अच्छे अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार लोगों के घरों में एल्युमिनियम के बर्तन हैं, क्योंकि एक तो सस्ता है, हल्का है, और जल्दी इसमें खाना पक जाता है क्योंकि जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन ये जल्दी मेल्ट भी होता है, हमारी बॉडी में जाता है, 15-20 साल कंटिन्यू अगर ये इंटेक हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर तो उसके बाद कैंसर बनता है इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का, तो वो हमारे इम्यूनिटी पावर को खत्म करता है। तो एल्युमिनियम के बर्तन में खाया हुआ खाना कोई मतलब का नहीं, उससे अच्छा भूखा रह सकते हैं या उस चीज को आप कच्चा चबा के खा जाइए वो फिर भी गुणकारी रहेगी, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन में पका करके आप खा रहे हैं तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं खा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं। दूसरी चीज, किसमें पकाएं फिर, तो सबसे बेस्ट मिट्टी का बर्तन है, वो नहीं मिल सकता है तो आप इसका तांबे का लीजिए, कांसे का लीजिए, या फिर मरी से मरी कंडीशन है कुछ नहीं मिल रहा है तो स्टील का, स्टील भी रिकमेंड नहीं करूंगा, ये भी ऑलमोस्ट एल्युमिनियम के जैसा ही है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो स्टील हो सकता है, अदरवाइज
सबसे बेस्ट माटी, तांबा, कासा, ये सब चीजें बेस्ट हैं, तो इनमें बनाने की कोशिश करें। आप 2-3 महीने ही बना के देखिए, कुछ भी नहीं तो घर में चाय का जो केतली है, चाय का जो आपका पतीला है, उसको ही चेंज करके देखिए आप। उसके 10-15 दिन बाद में एक टेस्ट आना अलग शुरू हो जाएगा, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि एल्युमिनियम और इसमें क्या फर्क है। तो ये हो गया बर्तन का। डाइट का मैंने आपको बता दिया कि आपकी डाइट में ये सारी चीजें डलनी चाहिए, जो जो सबसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया। इसके बाद में अगर आपको फिर भी लगता है डेफिशिएंसी है किसी चीज की, कि लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगले दिन बड़ा जोश है, लेकिन फिर भी बॉडी तैयार नहीं है अगले दिन करने के लिए, इट मीन्स कि कोई ना कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है। हो सकता है कि आपका B12 डाउन हो सकता है, हम 10 मीटर शूटिंग रेंज में रहने वाले पूरे दिन AC के अंदर रहते, धूप में नहीं जाते, हो सकता है विटामिन डी डाउन हो गया, उसके और D3 डाउन हो गया। तो ये विटामिन टेस्ट भी ज्यादा नहीं तो साल में एक बार एटलीस्ट आप लोग करवाएं, जो 5-6 मुख्य टेस्ट हैं वो तो करवा ही लें, ठीक है। तो ये टेस्ट करवाएं, उसके बाद जरूरत पड़े तो आप उन विटामिन्स की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए जो चीजें बनी हुई हैं, जो फ्रूट हैं, जो कोई भी इंटेक करना है, प्रोटीन की कमी है या कैल्शियम की है, उसके लिए आपको दूध पीना है या क्या नाम मक्खन खाना है, घी खाना है, जो करना है, तो वो उसके बाद उस इंटेक को बढ़ाइए। तो सिस्टमेटिक थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अपनी डाइट को प्लान करें और उस तरीके से चले। उसके बाद डाइट में एक सबसे खतरनाक चीज हिंदुस्तान के अंदर है, वो क्या है, ये सॉल्ट, व्हाइट नमक जिसको बोलते हैं ना, आयोडाइज्ड नमक, आयोडीन नमक, ये चाहे वो टाटा का हो, चाहे बाटा का हो, किसी का भी हो, ये सबसे बेवकूफ बनाने वाली कंपनियां हैं और बेवकूफ बनाते हैं लोगों का। टाटा पाटा कुछ नहीं होता, कोई आयोडीन नहीं होता, इसके अंदर सेंधा या काला नमक यूज करें, ये लैब के रिसर्च के अंदर प्रूव हो चुका है कि ये नमक बॉडी का BP हाई करता है कंटिन्यू खाने से, ठीक है। तो इसको खत्म कर दीजिए अपने घर के किचन से, आपके डाइट घर के अंदर होना चाहिए सेंधा नमक या काला नमक, और उसके अलावा अगर नहीं है तो वो जो आयोडीन बोल करके आपको बेचा जा रहा है उसको तो बिल्कुल मत खाइए, बेसिक फीका खा लीजिए, बेटर है, लाख गुना अच्छा है। आपको पता है कई सारी कंट्रीज के अंदर नमक खाते ही नहीं है, मैं कोरिया गया था 2009 के अंदर, मेरा नमक ढूंढना मुश्किल हो गया था, नमक नहीं ढूंढ पाए वहां पे। रशियंस लोग बहुत नमक कम खाते हैं, रेड चिली तो रशियंस खाते ही नहीं है, तो वो क्या है, इसको नॉनवेज बहुत खाते हैं लेकिन उबालते हैं, उसके ऊपर काली मिर्ची वगैरह डाली, धनिया पत्ता डाला और गोभी के पत्ते डाले, गोभी डाली और उसमें साबुत डाला और उसी को खा लिया, जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा सबको उबाल दिया, तो एक्चुअल में जो उस भोजन के अंदर पोषक तत्व थे उस आदमी की बॉडी में गए हैं। तो नमक का बिल्कुल प्रतिबंध है शूटर के लिए, खास करके दूसरे गेम में हो सकता है, लेकिन शूटर अगर नमक खा रहा है तो वो सेंधा या काला नमक खाए और कम से कम मात्रा में जितना हो सके खाए। उसके बाद में रेड चिली, जो लाल मिर्ची का पाउडर है, वो भी बहुत ही, ये मान लीजिए बंद ही कर दीजिए। मैं तो पिछले शायद 12-13 साल से लाल मिर्ची नहीं खाई है मैंने, जब से मुझे पता चला है, शूटिंग मैंने आज बंद कर दी, तब भी मैं लाल मिर्ची नहीं खाता हूँ। अगर मिर्ची की जरूरत है हरी मिर्ची डालिए किसी भी डिश के अंदर, हरी मिर्ची खाइए आप, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और है, सफेद कलर की जो है चीनी, चीनी की बजाय आप गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कीजिए, बूरे या खांड का इस्तेमाल कीजिए, ये चीनी भी बड़ी खतरनाक है आपकी बॉडी के लिए। और उसके बाद में तीसरी चीज है जो सफेद है वो है मैदा, तो मैदे का हर रूप के अंदर आपको ये मान लीजिए वर्जित है, मैदा किसी भी रूप में आपने नहीं खाना, चाहे वो पास्ता में हो, चाहे वो मैगी में हो, चाहे नूडल में हो, किसी भी फॉर्म के अंदर हो, मैदा नहीं खाना है आपने, चाहे वो समोसा है, कचौरी है, जलेबी है, व्हाटएवर इट इज, मैदा नहीं खाना है आपने। तो और मोटा अनाज खाइए जितना हो सके, आटा भी थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ होना चाहिए, ताकि जब वो आपकी बॉडी के आंतों के अंदर से जाए तो थोड़ा सा मोटा रहेगा, उसमें थोड़ा सा दलदल रहेगा, वो आंतों को साफ करके जाए, ना कि वो आंतों पे चिपके। मैदे से बारीक पाउडर वाला फ्लोर आटा कुछ भी नहीं होता है, और वो जब बॉडी में जाता है तो आंतों में चिपकता है, तो आंतों को क्या करता है, आंतों के अंदर एक लेयर बना देता है, और उसके बाद आदमी को क्या होता है, धीरे धीरे डायबिटीज होना, गैस होना, या एसिडिटी होना, या फिर मोटापा बढ़ना, पेट के साइड का जो हिस्सा है, जो बोलते हैं टायर बन रहा है, वो साइड का हिस्सा फूलना शुरू हो जाता है, वहां आते होती हैं आंतों के अंदर, वो मैदा लगना शुरू हो जाता है, तो पेट के कमर के साइड में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये मैदे की बहुत बड़ी देन है इसके अंदर, और लेट नाइट खाना भी इसमें, तो मोटा अनाज खाइए। फल जो खाते हैं, तो बीमार आदमी होता है उसको फल का जूस दिया जाता है, फिट फॉर आदमी है तो वो सीधा फल खाए,
चाहे वो मौसमी है, संतरा है, सेब है, पपीता है, केला है, अनार है, सीधा खाए, छीले तोड़े जो करना है करे और खाए उसको और निगले। कई लोगों को देखा है कि मौसमी चबाते हैं, जूस चबा लिया उसका छिलका फेंक दिया, नहीं, मौसमी का छिलका खाना भी बहुत जरूरी है। वो जब छिलका हाथ के अंदर से जाएगा तो जो पुराना मल उसके ऊपर चिपका हुआ है, अपशिष्ट जो बचा हुआ चिपका हुआ है आपकी आंत के ऊपर, वो उसको साफ करेगा तो आंतें साफ होगी, तो वो बहुत जरूरी है। उस छिलके को पूरा खाना है, किसी भी फ्रूट को है पूरा खाना है उसको, छिलका फेंकना नहीं है। कई लोग छील देते हैं उसको, चाहे वो नाशपति है या कुछ भी है, पूरा खाएं उसको। तो ये अपना डाइट के बारे में था थोड़ा सा आपको। नेक्स्ट ये डाइट का ही चार्ट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या चीजें कितनी कितनी होनी चाहिए। ऑयल सबसे कम है और ऑयल कई कंट्रीज के अंदर मैंने देखा है, मैंने जब फॉरेन कोचेज के साथ में काम किया है, तो वो क्या करते हैं, ऑयल को डायरेक्ट किसी भी डिश के ऊपर डालते हैं, उसको कढ़ाई में डाल करके उसमें आलू प्याज टमाटर और लहसुन वसुन डाल करके खुशबूदार, पड़ोसी तक के खुशबू आनी चाहिए कि आज फलाने के यहाँ चिकन बनाए, वो नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट लहसुन गार्लिक प्याज टमाटर जो कुछ खाना है सीधा काटा डाला, ऑयल चाहिए उसी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, खा लीजिए, वो फिर भी गुणकारी है आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज में मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत महसूस नहीं होती, आपको सब दिख रहा है, दाल चपाती रोटी चावल सब कुछ होना चाहिए डाइट के अंदर। फ्रूट्स बहुत जरूरी है, कैल्शियम के लिए दूध होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, पनीर है, चिकन है, अंडा है, और ऑयल कम मात्रा के अंदर। और शुगर अगर खाने का है तो या तो नेचुरल शुगर जिस फ्रूट के अंदर शुगर है वो, या फिर गुड़ शक्कर या खांड पूरा जो भी है ये खाएं। अब आ जाता है अपना मेन टॉपिक मेंटल ट्रेनिंग। मेंटल ट्रेनिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है, पिछले बार मैंने बताया है एक टॉपिक के ऊपर, तो लेकिन आज हम इसको डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये जो आपको फोटो दिख रही है अल्बर्ट आइंस्टाइन, इमेजिनेशन के बारे में इन्होंने बताया कि जैसा आप इमेजिन करते हैं आपके फ्यूचर में वैसा ही आता है। मतलब आज का जो आपका थॉट है वही थोड़े दिन में, योर थॉट विल बिकम थिंग्स, आपका जो आज का विचार है वही कुछ समय बाद घटनाक्रम बनेगा। ये सत्य है, प्रूव्ड चीजें हैं, इसके ऊपर डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। अभी यह हो गया मेंटल ट्रेनिंग। मेंटल ट्रेनिंग क्या है, अभी देखिए मेंटल में बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। ये जो लेफ्ट में फोटो देख रहे हैं इसके अंदर डोरेमोन और ये छोटे मोटे पप्पी, छोटा भीम, कार्टून, टेडी बियर, चिड़िया, कबूतर, ये सारे खिलौने इसके दिमाग में घुसे हुए। और एक जो बड़ा है, जो वयस्क आदमी है, उसके दिमाग में क्या है, नौकरी, पैसा, किताबें, बॉस के ऑर्डर, ये क्वेश्चन मार्क, वो सवाल, घर, गाड़ी, बंगला, लोन की किस्त, ये सब उसके दिमाग में भरा हुआ है। तो जैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपकी उम्र है उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ चलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी डिटेल में बताने वाला, जस्ट आपको दिखाने के लिए है कि आपके दिमाग में क्या है, आपको समझ में आ गया हुआ किसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब अपना मेन काम स्टार्ट होता है यहाँ से, ये है साइकोलॉजी। देखिए सबसे साइकोलॉजी के ऊपर दो भाग हैं अपने, ये लीजिए, साइकोलॉजी के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है फिजिकल और एक है मेंटल। तो फिजिकल के ऊपर तो हम सारी कुछ बातें कर चुके हैं कि फिजिकल के अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, फिजिकल में अपना जो टेक्निक वगैरह हो गया या रिपीटेशन है, प्रैक्टिस है, उसके ऊपर हम काफी बात कर चुके हैं। लेकिन अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये सब बॉडी फिट होगी, टेक्निक फिट होगी, ये सब फिट होने के बाद में फिर भी स्कोर क्यों नहीं आ पा रहा है, मैच में क्यों नहीं लग पा रहा है जब प्रैक्टिस में हमारा स्कोर लग रहा है। तो इसके लिए क्या है, सिंपल फॉर योर इंफॉर्मेशन, पांच होती हैं ज्ञानेंद्री और पांच होती हैं कर्मेंद्री। कर्मेंद्री क्या है, पांच काम करने वाली, पांच कर्मेंद्री है, आंख, नाक, कान, मुंह जो भी है। और उसके बाद है पांच ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्रियां क्या है, जो अपने को किसी भी चीज का ज्ञान करवाती है। किसका, आंख हो गई देखने का ज्ञान करवाती, कान है सुनने का काम कर रहे हैं, नाक है सूंघने का काम कर रहा है, हमारी जीभ है टेस्ट बताती है, तो ये स्वादेंद्री होगी, ये सुनने की इंद्री होगी, ये देखने की होगी। उसके बाद हमारी स्किन है, ये स्पर्श का आभास करवाती है, ठीक है। तो ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्री का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, हाथ का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है जब तक इसको स्पर्श करना नहीं आता है। अगर इसके ऊपर स्किन ना हो और ये स्पर्श करने की क्षमता महसूस नहीं करता है, मान लीजिए मेरा हाथ पैरालाइज है, तो इस हाथ का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, हाथ कुछ भी नहीं बता सकता मुझे कि इसके ऊपर ठंडा रखा है या गर्म रखा है। इसके ऊपर एक ज्ञानेंद्री है जो सेंस करवाती है कि नहीं ये ठंडा है ये गर्म है,
ये टच हो गया ये नहीं हुआ, तो ये ज्ञान करवाने वाली जब वो इंद्री काम कर रही है, वो सेंस काम कर रहा है, तभी इस हाथ का अस्तित्व है, अदरवाइज ये हाथ है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ज्ञानेंद्री क्या होती है, कर्मेंद्री क्या होती है, ये आपको बता दिया है। अब इसके आगे जो आता है, जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आप यूरोपियन मान लीजिए, अमेरिकन हैं या फिर ग्रीक लोग हैं, उनके उनकी जो साइकोलॉजी है उसके अंदर क्या चीज है, वो साइकोलॉजी के अंदर जब जाते हैं तो उनके जो पूरी साइकोलॉजी है उसके अंदर कुछ एक पार्ट जो हमारे इंडियन मैथोलॉजी के अंदर हैं वो हैं ही नहीं, जिनका मैं अभी जिक्र करने वाला हूं आपके पास में, वो उनकी साइकोलॉजी की पूरी किताब के अंदर भी जाने के बाद भी नहीं है। वर्ल्ड का जो बेस्ट मेंटल ट्रेनर माना जाता है शूटिंग के लिए, वैसे तो ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन शूटिंग के लिए जो बेस्ट वर्ल्ड का मेंटल ट्रेनर माना गया है, उनकी कई किताबें पढ़ने के बाद में, उनसे मिलने के बाद में भी मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता चला कि ये चीजें होती हैं, और मैं सेटिस्फाई नहीं था। फिर ये चीजें अपने ही उपनिषदों के अंदर मिली हैं, जो कि कई हजार साल पहले लिखी हैं, और वो मैं आज आपके सामने प्रूव करके दिखाऊंगा, इसको आप मानेंगे कि हाँ एक्चुअल में ये रीजन है हमारी परफॉर्मेंस के इफेक्ट होने का। आप एंड में जब जाएंगे सेशन छोड़ करके खत्म होगा, तो आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि हाँ एक्चुअल में यही रीजन है। साइकोलॉजी वहां तक खत्म नहीं हुई, वो लोग सेल्फ इमेज के ऊपर जाकर के अटक जाते हैं, सेल्फ इमेज के बाद में सेल्फ कॉन्शियस लेंस, सेल्फ इमेज और ये सब, यहाँ तक सेल्फ इमेज के ऊपर आकर के साइकोलॉजी खत्म हो गई है, जबकि साइकोलॉजी बड़ा विशाल सब्जेक्ट है। आज मैं जितनी साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, ये पूरी साइकोलॉजी का 1% है मात्र, आप सोच लिए कि बाहर कितना है, लेकिन शूटिंग के अंदर एज ए स्पोर्ट्समैन आपका काम किस 1% से टनाटन चल जाएगा, तो इसलिए हम बात करते हैं। तो हम मेन मुद्दे पे आते हैं, चार चीजें होती हैं जो हम मन मन बोलते हैं ना, मन या दिमाग बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, या हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी किसी भी कारण से। मान लीजिए प्रैक्टिस में आप घर पे अपनी रेंज में अकेले में मैच करके आए, अपने होम रेंज के ऊपर 580 मार के आए, लेकिन मैच में गए 560 का स्कोर लगा, अब क्यों लगा? तो कोई कहता है कि दिमाग काम नहीं किया, कोई कहता है मन काम नहीं किया, कोई कहता है मैच प्रेशर आ गया, कोई कहता है ट्रिगर नहीं चला, कोई बोला एंजाइटी आ गई, बड़े बड़े अंग्रेजी के टिपिकल से वर्ड यूज करते हैं, और देसी सा जो आदमी होता है मित्र, वो क्या बोलता है, बोले यार बस लग गई लग का, नहीं नहीं चला, ठीक है। तो जो भी आप वर्ड दे दो, जो भी नाम दे दो, ठीक है, लेकिन ये है क्या और ये कहां से आता है? तो चार चीजें होती है, एक होता है मन, मन क्या, मन होता है, उसके बाद में चित्त है, बुद्धि है और अहम, ये चार चीजें, इनको समझिएगा, ये उपनिषदों के अंदर से चीज मैंने उठाई है। तो मन क्या करता है, मान लीजिए आपने कोई चीज देखी, किसी भी चीज को देखा, तो मन क्या करता है, वाक्य बनाता है। आप कहीं से घूमने के लिए जा रहे हैं और बड़ा सुंदर सा नजारा आया, पहाड़ है, पहाड़ बड़ा ही ग्रीन व्यू है, बारिश हो रही है और एक झरना बह रहा है, तो मन के अंदर क्या हुआ, जैसे उस झरने को आपकी आंख ने देखा, बड़ा सुंदर दृश्य था, तो मन में क्या एक वाक्य बना, तुरंत आपके देखते ही सबसे पहले मन में वाक्य बना, बड़ा सुंदर नजारा है, ठीक है, ये वाक्य मन बनाता है। मन क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, मन केवल वाक्य बनाता है, ठीक है। आपकी किसी से तू तू मैं होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, तो आप उसको गाली दोगे, मन के अंदर से क्या होगा, मन में वाक्य बनेंगे, मार देता हूं इसको, लेकिन फिर क्या होगा, इसके ऊपर कौन काम करेगा, इसके बाद में मन के बाद में आपकी बुद्धि काम कर जाती है, मन बुद्धि अहम और लास्ट में लेंगे अपन चित्त को, बुद्धि काम कर जाती है। तो बुद्धि क्या बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मार दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। तो मन ने वाक्य तो बनाया कि ये इसने मेरे साथ गलत किया, मुझे मारा है, मुझे गाली दी, इसको मार देता हूं, लेकिन बुद्धि जिसकी अच्छी है, जिसकी बुद्धि बड़ी है, जिसको नॉलेज ज्यादा है, जिसके अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो ज्यादा ट्रेन है, ठीक है, वो उसकी बुद्धि क्या देगी, जैसी जैसा उसका अहंकार होगा वैसा उसकी बुद्धि निर्णय लेगी। अगर आपकी आपके अंदर अहंकार नेगेटिव टाइप का है तो आपकी बुद्धि वैसा डिसीजन लेगी कि मार दो, चलो तो आपने मार दिया, वैसे जेल जाना मंजूर है, लेकिन वो अहंकार आपकी बुद्धि के ऊपर हावी हो जाएगा और आप डिसीजन लोगे, वैसा ही डिसीजन लोगे, ठीक है। तो मन क्या करता है, मन केवल वाक्य बनाता है, उसके बाद में आपकी बुद्धि आ गई, तो बुद्धि क्या करती है, बुद्धि उसका सही है गलत ये निष्कर्ष करके आपको दे देती है कि ये सही है गलत है। आपने आपके दिमाग में आपके सामने से एक ओडी कार गई, आपको लगा अरे दिमाग में क्या आया, बहुत अच्छी है, मेरे पास भी होनी चाहिए, लेकिन बुद्धि ने क्या बोला, ना भाई पैसे नहीं है, अभी ये नहीं आ सकती, आगे देखेंगे कभी भी, तो ये क्या बुद्धि ने बोला, लेकिन अब आपका बुद्धि ने डिसीजन लिया क्योंकि आपके अहंकार ने उसको बोला कि नहीं ठीक है,
लेकिन अगर अहंकार आपका गलत तरह का, अहंकार में भी तीन तरह के पार्ट होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक, तीन तरह के अहंकार है। अगर आपका अहंकार गलत है, आपका अहंकार नेगेटिव है, तो क्या बोलेगा, मुझे नहीं पता। वो बुद्धि की बात नहीं माने, मुझे नहीं पता, मुझे तो ऑडी चाहिए, कहीं से भी चाहे चोरी करके लाओ। तो वो क्या करेगा, या तो जिसके पास में वो गाड़ी है उसको मार डालेगा, या उसकी चोरी कर लेगा, या कैसे भी करेगा, वो बस वो गाड़ी चाहिए उसको कैसे भी हो, वो बुद्धि की बात नहीं मानता है। तो ये अहंकार का काम आ गया यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आया, मन करता है क्या, वाक्य बनाता है मन, उसके बाद में आपकी बुद्धि आ जाती है, और बुद्धि के बाद में अहंकार है। आपको मैं फिर से पीपीटी पे लेके जाता हूँ एक बार। यस, ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय होगी, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन क्या करता है, वाक्य बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है। ठीक है, मन ने कोई भी वाक्य बनाया कि ऐसा है, तो बुद्धि क्या निर्णय लेगी, हाँ ऐसा है ठीक है, लेकिन ये अपने काम का नहीं है, बुद्धि ने निर्णय लिया। लेकिन क्या होगा, अहंकार, अहंकार के हिसाब से ही बुद्धि निर्णय लेती है। तो बुद्धि, अहंकार के कितने प्रकार हो गए, अहंकार के तीन भाग हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ये तीन तरह के अहंकार के भाग हैं। अब इनको छोड़ दीजिए, इनके अकॉर्डिंग आपने निर्णय ले लिया, ओके हो गया काम, यहां तक भी ठीक है, ये भी मैंने पहले समझाया हुआ है। लेकिन ये राजसिक, सात्विक, तामसिक कैसा होता है, ये भी आपके भोजन के ऊपर और आपकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, आपके संस्कारों पर डिपेंड करता है, आप कैसे माहौल में रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, आपको क्या सिखाया गया उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब उसी के पार्ट हैं। अब अहंकार के दो उप मुख्य भाग हैं, ठीक है, एक है अहम और एक है इदम। अहम और इदम क्या होता है, इसको ये जानने वाली चीज है। और उसके बाद में आता है चित्त। चित्त क्या है, चित्त एंड में आता है, जिसको मैं पहले ही बता देता हूँ, ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक घंटे का लेक्चर पहले ले चुका हूँ, उसके ऊपर वीडियो है मेरा। चित्त क्या है, चित्त आपके विचारों का संग्रह है, ये एक स्टोर हाउस है आपके थॉट्स का। चित्त इज द स्टोर हाउस ऑफ योर थॉट्स, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अच्छे हैं, बुरे हैं। और थॉट्स भी क्या, थॉट या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके कर्मों का ही खजाना है, जो कर्म आपने पास्ट में किए हुए हैं उनकी मेमोरी या उनकी याददाश्त आपके चित्त में मौजूद है। आपने किसी आदमी के साथ बुरा व्यवहार कर रखा है, आपके वो सामने आया, आपके चित्त में वो मेमोरी थी, जैसे ही वो सामने आया, वो पूरा सीन आपके सामने आ गया कि ये आदमी के साथ में मेरी ऐसे ऐसे बहस हुई थी। ठीक है, तो ये चित्त है जिसमें स्टोर्ड है सारी चीजें। ठीक है, तो इस चित्त को भी छोड़ देते हैं, चित्त का काम नहीं है। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं अहम और इदम के ऊपर, जो कि अहंकार का उप भाग है। ठीक है, अहंकार तीन प्रकार के होते हैं, राजसिक, सात्विक, तामसिक, और उसके बाद में ये तीन तो है ही है, इनको आप धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इजी नहीं है, इसके लिए आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो भी मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। अब आप अपन बात करेंगे अहम और इदम की। तो अहम और इदम के ऊपर जो है बात हमारी आई थी, अहम क्या है, यस, तो अहम क्या है, अहम है आप सेल्फ। अहम का एक तो जो पहले मैंने बताया था, अहम पूरा अहम यानी अहंकार, वो नहीं है। अहम यानी मैं सिर्फ, मैं अकेला, इंडिविजुअल। तो जब आप अकेले में फायर कर रहे हो, जिस वक्त आप अपनी प्राइवेट पर्सनल शूटिंग रेंज पे अपने घर पे अकेले में फायर कर रहे हो, उस वक्त सिर्फ आपका अहम काम कर रहा है, यू आर अलोन दैट टाइम। इसलिए क्या करते हैं, आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, आप अपनी पूरी टेक्निक को अच्छे से अच्छा फॉलो कर लेते हैं। लेकिन ये अहम तो ठीक है, अपनी जगह तक है, अहम अकेला है, आप अपने आप में हैं तब तक अहम है। लेकिन जब आप शूटिंग रेंज में आ गए, कॉम्पिटिशन में आ गए, नेशनल खेलने के लिए हजारों लोगों की भीड़ में आ चुके हैं, तब क्या होता है, तब आपका इदम हावी हो जाता है, इदम काम करता है। और जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट है, वो अहम तक जा करके अपनी साइकोलॉजी को, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को खत्म कर देते हैं कि आपका अहम क्या है, सेल्फ। तो सेल्फ क्या है, सेल्फ इमेज बताते हैं कि आपकी जितनी बड़ी सेल्फ इमेज होगी, आपका उतना ही ज्यादा बड़ा परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, मानते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, जिसकी जितनी बड़ी सेल्फ इमेज है उसका उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, लेकिन एक जब स्टेज के ऊपर एक आदमी परफॉर्म करने के लिए जाता है, जब वो रिहर्सल घर में करता है, तो सब कुछ बढ़िया तरीके से बोल लेता है, लेकिन जैसे ही हजारों लोगों के सामने स्टेडियम में खड़ा होता है मंच के ऊपर, तब वो क्यों नहीं बोल पाता, उसकी तो उसने हजारों बार रिहर्सल कर चुका है, हर बार सही हो रहा था, अब क्या हो गया उसको, क्योंकि अब उसका इदम काम करना शुरू हो गया, अब उसकी जो सेल्फ इमेज थी वो छोटी हो गई है,
और जो उसकी आउटर जो कनेक्शन था वो हो गया दूसरे लोगों से। अगर ये चीज काम कारगर नहीं होती, अगर सेल्फ इमेज ही सब कुछ है, तो मुझे ये बताए कोई कर्नल आरवीएस राठौर साहब, उसके बाद में अपना विजय कुमार, उसके बाद में अभिनव बिंद्रा, उसके बाद में गगन नारायण, ये सब चैंपियंस हैं, इन लोगों ने ओलंपिक में मेडल लिया हुआ है, ठीक है, इनकी सेल्फ इमेज बहुत बड़ी थी और वाकई बहुत बड़ी इन्होंने बनाई, बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। तो जब दूसरी बार ओलंपिक में जाते हैं तब भी तो सेल्फ इमेज बड़ी ही है, तब क्या हुआ दोबारा, तब क्यों परफॉर्म नहीं हुआ? वो नहीं हुआ, वो इदम है, वो इदम आज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके ऊपर साइकोलॉजी, जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपनी साइकोलॉजी को नहीं लेके जाते हैं, हम आज उसके बारे में बात करने वाले। तो इदम क्या है? इदम वहां से शुरू होता है जब आप रेंज में खड़े होकर के किसी भी माध्यम से, जो पांच आपकी ज्ञानेंद्री हैं, आप मान इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि पांच जो कर्मेंद्री हैं वो ज्ञानेंद्रियों के अधीन हैं, जैसा ज्ञानेंद्री ऑर्डर देगी आपकी कर्मेंद्री कर्म करेगी, ट्रिगर फिंगर वैसी ही चलेगी जैसा उसको ऑर्डर मिलेगा। तो ये ऑर्डर गलत क्यों मिलता है या ऑर्डर सही समय पे क्यों नहीं मिलता है, इसके लिए क्या हुआ, इदम ने काम किया। अब इदम के ही बारे में बात करते हैं। इदम क्या है? जब आप रेंज के अंदर पब्लिक प्लेस के अंदर खड़े हो गए और कई लोग आपके पीछे बैठे हुए, तो आपको क्या क्या चीजें आपके साथ में जुड़ गई? जब अकेले नहीं थे, अकेले थे तो आप सिर्फ अकेले थे, आपके साथ में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही फील्ड ऑफ प्ले के अंदर खड़े होते हैं आप मैच करने के लिए फाइनल के अंदर, तो आपको फियर आ जाता है। वो क्यों आता है, कहाँ से आता है? आपने क्या किया, एक तो आपने दिमाग, यार मेरे दोस्त पीछे बैठे हुए वो मुझे देख रहे हैं, उसके बाद इतने सारे लोग जो रेंज ऑफिसर या कोचेज वगैरह वो कमांड दे रहे हैं, इतने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे पीछे कैमराज लगे हुए हैं, फेसबुक लाइव चल रहा है और इधर ट्विटर पे चल रहा है, ये वो चल रहा है, या फिर मेरी पिछला जो मेरा मेडल था वो मेरा टॉप था, आपकी बार आएगा कि नहीं आएगा। आपने क्या हुआ, आप उन लोगों से कनेक्ट हो गए किसी भी माध्यम से, चाहे आप कनेक्ट हो, चाहे आप सुन करके कनेक्ट हुए, चाहे आप देख करके कनेक्ट हुए, या किसी भी माध्यम से आप कनेक्ट हुए किसी भी आदमी से, आपका इदम ने काम करना शुरू कर दिया, इदम बड़ा हो गया, सेल्फ इमेज छोटी हो गई। उस वक्त बड़े से बड़ा चैंपियन भी नर्वस महसूस करता है, चाहे वो आप बिगिनर हैं चाहे आप बहुत बड़े चैंपियन हैं, आपको नर्वसनेस फील होगी। जब आप इस चीज को एहसास कर लेंगे, इस चीज को भोग लेंगे कि मैं इतने लोगों के बीच में खड़ा हूं, आपको भीड़ में खड़ा होकर के भी अकेला रहना, अकेला महसूस करना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि आप अकेले में करते हैं, होम रेंज पे करते हैं, प्रैक्टिस के टाइम पे करते हैं, अपने घर में करते हैं, उस वक्त जैसा आपको महसूस होता है एकांत, कि आपको कोई याद नहीं आता, आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं है कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई सुन रहा है, या मेरे को कोई देखेगा, मैं कैसा करूं, आपको 1% ये ख्याल भी आपके दिमाग में थॉट तक नहीं आता जब आप अकेले मैच करते हैं कि मेरा अगला शॉट 7 लग जाएगा तो क्या होगा, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि देखने के लिए कोई नहीं है और ना आपके पास दिखाने के लिए कुछ है, ना आप दिखा रहे हैं ना कोई देख रहा है, तो देखने वाले तो रहेंगे, इस चीज को मान के चलिए, क्यों आप फील्ड ऑफ प्ले में खड़े होंगे तो देखने वाले तो वहीं रहेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कर्ता होकर के भी अकर्ता बनना है। अकेले में होते हैं तो आप कर्ता भी खुद हैं, दृष्टा भी खुद हैं, दृष्टि भी खुद हैं, आप ही कर रहे हैं, आप ही देख रहे हैं, आप ही दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस के अंदर खड़े होकर के कोई काम करने लग गए, उसके बाद में क्या हुआ, आपके आपका जो कर्ता भाव है वो खत्म हो जाता है, आप कर्ता नहीं रहे उस टाइम पे, कर्ता कुछ और बन जाता है, दृष्टा भाव आपका खत्म हो जाता है, आप दृष्टा बन गए, लेकिन आपका दृष्टा क्या देख रहा है, आपका दृष्टा ये भी देख रहा है कि मुझे हजारों लोग देख रहे हैं। आप जब ओलंपिक में खड़े होकर के या कॉमनवेल्थ एशियन गेम में खड़े होकर मैच कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीज भी चल रही है कि इंडिया में हजारों जगह पे मेरे नाम के हवन चल रहे हैं, पूजा चल रही है, पाठ चल रहे हैं, लाइव चल रहा है, टीवी न्यूज के हर टीवी के ऊपर मैं बना हुआ हूँ, मेरे फेडरेशन के लोग देख रहे हैं, मेरे गांव के देख रहे हैं, घर के देख रहे हैं, कितने लोगों ने पटाखे खरीद के रख लिए, मेरे मेडल जीते वो बजा देंगे, इतने सारे थॉट्स जब आपके दिमाग में आ गए, और ये क्यों आए, क्योंकि आप इजी अप्रोचेबल हैं, आपने कनेक्ट होने दिया उस पब्लिक को अपने आप से, तो आपको उनसे कनेक्ट नहीं होना है, अपने आप को कनेक्ट नहीं होने देना है, इजी अप्रोचेबल नहीं बनाना है। अगर आप एक बार चैंपियन बन गए हैं,
तो क्या करना है नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में जाने से पहले, जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है या फिर जो इंडियन माइथोलॉजी है उसके अंदर सबसे अच्छा, जब वेदों का या ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो क्या बताते हैं, जब भी कुछ आप पा लेते हैं अर्जित कर लेते हैं तो उसे वापस अर्पित कर दीजिए, वापस चढ़ा दीजिए, दान दे दीजिए। दान इसी को कहते हैं। चाहे आपने एक मेडल ले लिया, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर के सामने या जो भी सर्वशक्तिमान जिसको आप मानते हैं, जो आपका इष्ट है, उसके सामने जाके इस चीज को स्वीकार करें कि हाँ, मैंने आपके आशीर्वाद से, रहमो करम से और मेरी थोड़ी सी मेहनत से और सद्बुद्धि से मैंने ये पाया है, लेकिन आज फिर से मैं अपनी झोली को खाली करता हूँ और ये मैं आपको अर्पित करता हूँ। इसके बाद मैं फिर से आज नगण्य हो गया हूँ, मैं जीरो हो गया हूँ, आज के बाद फिर से मुझे वापस जीरो बना दिया है आपने, मैं फिर से एफर्ट करता हूँ और फिर शून्य का भाव लेकर के फिर से जाता हूँ। मैं कोई चैंपियन नहीं हूँ, मैं कोई विनर नहीं बना हूं, मैं फिर जीरो बन गया हूं, मैंने जीत लिया, ठीक है, दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको वापस अर्पित करता हूं, अब मुझे अगले लक्ष्य के लिए दोबारा से जाता हूं, फिर से मेरा लक्ष्य बनता है और मैं इसके लिए काम करता हूं। तो आप जीरो होकर के वापस गए, तो आपने उस सक्सेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। जब आप सक्सेस को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं या सक्सेस के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, इट मींस कि आप किसी ने किसी को शो करना चाहते हैं, आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि यस आई कैन डू इट, यस आई एम द विनर, यस आई एम द चैंपियन। अभी अगर कोई बहुत बड़ा स्टार यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाए और उसको कोई पूछ ले कि सर आपका नाम क्या है, कौन है आप, तो उसको बड़ा ईगो हर्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अमिताभ बच्चन आ गए और उनको कोई बोलता है कि सर मैं पहचाना नहीं आप कौन है, किस लिए आए यहाँ पे, तो उसको क्या लगेगा, बड़ा ईगो हर्ट लगा, अरे मैं अमिताभ बच्चन, मुझे नहीं जानता। क्यों? उसके अंदर जीरो का भाव नहीं है, उसके अंदर सेलिब्रिटी का भाव है, स्टार का भाव है कि यार मैं, मेरे को नहीं जानता, ये तेरी क्या औकात है, तू मुझे नहीं जानता। ये ईगो जो अंदर से आता है, ये जो एक भाव अंदर से पैदा होता है, जो जो इस, जो इस सक्सेस को कैरी फॉरवर्ड हमने किया है अपने साथ में, यही हमें फोबिया देता है, प्रेशर देता है, एंजाइटी देता है किसी भी मैच में या प्रेशर में। तो एक तो ये हो गया सक्सेस को कैरी फॉरवर्ड करने वाला, दूसरा किसी को प्रूव करना या किसी को दिखाना। मान लीजिए आप पहली बार नेशनल में जा रहे हैं तो आप प्रूव करने के लिए जा रहे हैं, आप दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, आप उन सैकड़ों लोगों के लिए खेल रहे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो फैमिली के लोग हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे आपकी टीम के हैं, आपके स्टेट के हैं, कोई भी लोग हैं, आप किसी न किसी से अपने आप को टच किए हुए हैं, आप जुड़ रखे हैं, इसलिए आप फ्री होकर के नहीं खेल पाते हैं और उन हजारों सैकड़ों लोगों का वजन आपके दिमाग के ऊपर है, इसलिए आपका ट्रिगर नहीं चलता है, इसलिए आपको डर है कि मेरा गलत लग गया तो क्या होगा। वो डर आपको प्रैक्टिस में नहीं होता क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं है। जब एकांत में आप मैच कर रहे हो, आप 590 मार देते हो और हजार लोगों की भीड़ में आप 560 मारते हो, तो क्यों मारते हो? क्योंकि हजार लोग देख रहे हैं, ये आपने जान लिया और आपने देख लिया और आपने अपनी बुद्धि को ये मानने दिया, आपके मन के अंदर विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे देख रहे हैं, आप कनेक्ट हुए, कनेक्ट होते ही मन ने विचार बनाया कि मुझे देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो बुद्धि ने क्या निर्णय लिया? बुद्धि या तो बोलती है कि देखने दो, या फिर अहंकार क्या बोलता, नहीं देखने दो तो मेरी बेइज्जती कैसे हो जाए, मुझे देख रहे हैं तो मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो जैसे ही आपने एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर लिया, प्रूव करके दिखाने की कोशिश की, तब आप अकेले नहीं रहे, तब आप अहम नहीं है, आपके अंदर इदम जुड़ गया है, और जैसे ही आपके अंदर इदम जुड़ा है, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होना शुरू हो गई है। चाहे ये आप बड़े से बड़े चैंपियन से जाके पूछ लीजिए कि आप अगले कंपटीशन में हारे तो क्यों हारे, चाहे आप एक नए लड़के से पूछ लीजिए। ये अगर हम साइकोलॉजी में इंक्लूड करते हैं और इस चीज के ऊपर काम करते हैं, इदम में, इदम से लड़ना जान जाए, या फिर लड़ना भी नहीं, सॉरी मैं गलत कह गया, लड़ना नहीं है, चाहे आप किसी से टच हुए, किसी से जुड़े या किसी का विरोध कर रहे हैं, विरोध में जुड़े कि नहीं मुझे देख तो रहे हैं लेकिन मुझे अनदेखा करना है, ये विचार भी अंदर है, तब भी तो आप जुड़ रखे हैं, अनदेखा तो कर रहे हैं, किसके लिए? उनके पक्ष में कि मुझे उनको अवॉइड करना है। तो अवॉइड करना है इज ऑल्सो ए, क्या बोलते हैं इसको, क्रिया हो गई है, आप फिर कर्ता बन गए, क्या कर्ता बन गए, क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर भी आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए ऑन द स्पॉट लाइन के ऊपर। तो ये सब चीजें हमारी दिमाग के अंदर उलझ जाती हैं, जो कि हमारी टेक्निक, ब्रीदिंग, इन सब चीजों से बहुत बड़ी चीज है। ये टेक्निक वगैरह सब तब काम आती हैं जब मैच में खड़े होकर के आपको एकांत अनुभव हो जाता है कि मैं अकेला हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई देखे या नहीं देखे, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीतता हूं या हारता हूं, मैं सिर्फ कर्म करने आया हूं, मैं मैच करने आया हूं, यहां पे मेरा काम है, जिस चीज की मैंने ट्रेनिंग की है, मैं देखता हूं कि मैं कितना कर पाता हूं, ठीक है, हो गया काम।
अगर आप इस साइकोलॉजी के अंदर हैं, इस माइंडसेट के अंदर हैं, तो आपका इदम और अहम आपका सही रहेगा। आप अहम में रहेंगे, इदम में नहीं घुस पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इदम में घुसे, उसके बाद आपका काम होना शुरू हो गया। आप शूटिंग के ही ले लीजिए, कितने पुराने स्टार को लेकर के देख लीजिए, आप 20 साल पहले के चैंपियन से लेकर आज के चैंपियन तक उठा करके देख लीजिए, 2 साल 5 साल 4 साल वो जीतता है, उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे परफॉर्मेंस इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है? डाउन आ जाता है धीरे धीरे, कोई भी आदमी एक्सवाईजेड, ठीक है, वो क्यों आया? क्योंकि जब तक उसकी सेल्फ इमेज बड़ी थी, तब तक वो चलता गया, ठीक है, लेकिन जब उस सेल्फ इमेज को कैरी फॉरवर्ड उसने अपने मैच में किया कि मैं 10 बार 5 बार मैं नेशनल चैंपियन बना, मैं तो अभी वर्ल्ड कप का मेडल लेके आया, मुझे तो अगली इस बार वो क्या नाम अपना अर्जुन अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है, मेरे को तो मोदी जी ने अभी सम्मानित किया है, रेंज में मेरी फोटो लग गई है, उसके बाद मैं मीडिया में आया हूँ, फेसबुक ट्विटर सब पे छाया हुआ हूँ, और उसके बाद में क्या हुआ, आपने क्या हुआ, जितने लोगों ने आपको जाना, जितनी आपकी पब्लिसिटी हुई, जितने आप मशहूर होते गए, आपने उतने ही लोगों से कनेक्ट कर लिया अपने आप को। अब आप रेंज के ऊपर अकेले नहीं है, अब आप एक ऑर्डिनरी शूटर नहीं बने, अब आप क्या हुआ, स्टार बन गए, आप सबकी सबसे जुड़ गए हैं, वो जो जितने आपकी फैन फॉलोइंग हो गई है, आपने उतने लोगों से अपने आप को कनेक्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, आप सिर्फ परफॉर्म करने के लिए नहीं जाएंगे, अब आप उन सब लोगों को प्रूव करने के लिए जाएंगे, अपने आप को शो करेंगे। तो ये जो शो करने वाली प्रॉब्लम है, ये हमारे दिमाग पे हावी हो जाती है, और जो हमें कर्म करना है उस कर्म से भटक जाते हैं, वो कर्म हम नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फल की इच्छा से आप कर्म करना भटाइए, ये एक मुख्य कारण है, फल की इच्छा एक अलग चीज है, लेकिन वो इच्छा क्यों है, वो इच्छा भी तो इसीलिए है कि आप किसी को दिखाना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं, अपने आप को सुपीरियर बताना चाह रहे हैं कि नो आई एम स्टिल चैंपियन, मैं पिछली बार जीता था, अब भी जीत सकता हूं। तो ये जो प्रूव करने के लिए जब आप जाते हैं दोबारा से, तब जाकर के आपके दिमाग पर डबल बोझ हो जाता है, और ये चीज आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। तो इसके लिए क्या करें, जीरो का भाव, समता भाव उत्पन्न करना पड़ेगा अपने अंदर। और इसके लिए जो पतंजलि के अंदर बताया गया है, वो क्या बताया गया, वैराग्य और अभ्यास। इस इदम से छुटकारा पाने के लिए सबसे सिंपल है, क्या है, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य किस चीजों का, कि हर उस चीज से मुझे विरक्त हो जाना है, हर उस आदमी व्यक्ति वस्तु स्थान से मुझे विरक्त होना है जो मेरे फायदे की या मेरे काम की नहीं है, चाहे वो मूवी देखना है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो रेंज में 20 आदमी घूम रहे हैं, वो हैं, कोई भी हैं, मैं मुझे मेरे सामने कोई आदमी आ रहा है, मैं उसको जानता हूं, लेकिन क्या मेरा बात करना उससे जरूरी है, क्या मुझे फायदा देगा मैच से, जस्ट पहले वो मैं मैच करने के लिए जा रहा हूं, फिर भी कोई नॉन आदमी आ गया, क्या उससे बात करना मेरे मैच में फायदेमंद है तो ठीक है बात कीजिए, लेकिन अगर आपकी बुद्धि बोलती नहीं यार इससे क्या मतलब है, ये क्या फायदा करेगा अपना, फालतू का दिमाग खराब करेगा, चार बातें बोलेगा, चार तरह के नए थॉट्स दिमाग को देके जाएगा, दिमाग सोचता रहेगा, तो मत कीजिए बात, अवॉइड कीजिए, विरक्त होइए, ठीक है। दूसरी चीज, अपनी परफॉर्मेंस से भी विरक्त होइए। आप अगर अच्छा भोगेंगे, आप मेडल जीतना भोगेंगे, तो आपको हारना भी भोगना पड़ेगा। भोगता भाव जब तक आपके अंदर है, आप जब तक भोग रहे हैं खुद किसी भी अच्छे को बुरे को, अच्छा भोगेंगे तो बुरा भी भोगना पड़ेगा, सुख का मजा लेंगे तो दुख में दुखी भी आप ही को होना पड़ेगा, थोड़ा सा निर्मोही बनना पड़ेगा, थोड़ा सा साधु बनना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से खुशी नहीं है, आप उसमें भी नूडल, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कर्म किया था फल मिल गया, कोई बात नहीं, ठीक है उसने दिया, उसी को वापस अर्पित करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, कर्म भूमि पे आए हैं, कर्म योगी हैं, कर्म करना अपना काम है, कर्म करेंगे छोड़ दो, ये जो मिला ठीक है मैंने वापस अर्पित किया, जितना मेरे हिस्से का था मेरा काम चलाने के मैंने रख लिया, बाकी लो जी वापस चला देते, ठीक है। तो जब ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा, तब हमें डर होना कम हो जाएगा, तब हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो दिखाई नहीं रहे हैं, हम तो उस पब्लिसिटी को एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, हमारे कितने फॉलोवर हो गए हैं, कितने लोग हमें चाहते हैं, हमारी कितनी यूट्यूब पे वीडियो आ गई, कितने फेसबुक पे वीडियो आ गए, कितना टीवी चैनल पे मेरे वीडियो आ रहे हैं, कितने लोग मुझे जान रहे हैं, मुझे कितने अवार्ड मिले हैं, उन सबको अगर मैंने भोगा नहीं है, तो मुझे अगली बार मैं नहीं जीत पाया तो उसका भी कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे फिर भी मिल गया तब भी मैं नहीं भोगने वाला उस चीज को, तो मैं बिल्कुल विरक्त हूं उन चीजों से, तो मैं वैराग्य की स्टेज पे हूं, तो मैं मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है, तो आपके अंदर डर नहीं आएगा। और दूसरा क्या है, अभ्यास। अभ्यास करना है, इसी चीज का अभ्यास करना है। किस चीज का अभ्यास, यानी प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस एक अलग पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, वो खत्म हो गया है। वैराग्य का ही अभ्यास करना है, हर चीज से विरक्त होने का जो आपके काम की नहीं है, जो फायदेमंद नहीं है,
तो ये हमारा जो साइकोलॉजी का मेन मोटा मोटा पार्ट है। अब दूसरी चीजें एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ, ये एक बड़ी बात बता करके छोटा सा बताता हूँ कि ये सब स्टेज कैसे पाई जा सकती है। भाई नॉर्मल समाज के अंदर ऐसे लोगों में रह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। भाई क्या मुमकिन नहीं है, जब एक महात्मा आदमी गौतम बुद्ध राजा होकर के, राजकुमार होकर के, बीवी बच्चे राजपाट और इतनी बड़ी जागीर जायदाद छोड़ करके साधु बन सकता है, तो आपको तो थोड़ी बहुत चीजें छोड़नी है। फेसबुक व्हाट्सएप और जिन चीजों से आप अटैच हो रखे हो, जो चीजें आपको डराती हैं, जो पीछे 500 लोग आपके मैच के दौरान पीछे बैठे हैं, उन्हीं से तो मतलब खत्म करना है। तो ये तो आप कर ही सकते हो। अगर ये मतलब आपने खत्म कर दिया तो आप फाइनल में खड़े हुए अकेले हो, उस पर कोई नहीं है देखने वाला आपको, आपको डरी नहीं है, आपको खुशी नहीं है ताली बजा रहे हैं तो आपके लिए, आप अगर हार गए आपके लिए ताली ना बजी तब भी आपके लिए बराबर है। परमहंस एक ही हुआ है, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु, परमहंस की उपाधि किसी दूसरे साधु को नहीं दी है। परमहंस जी एक बार एक हलवाई की दुकान से आगे गए तो उन्होंने बोला कि भाई जलेबी दे दो, बोले पैसे पैसे नहीं है, बोले पैसे नहीं है तो गोबर खा, तो उन्होंने गोबर उठाया और खा लिया, बोले ठीक है, बोले इसका भी तो वही असर होना है जो जलेबी का होना था, तो ठीक है मैं इसी को जलेबी मान के खा लेता हूँ, मुझे उसके स्वाद से भी मतलब नहीं है, इसके स्वाद से भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब ये स्टेज में मतलब ये बड़ा मुश्किल है कि इस स्टेज तक चले जाएं हम, लेकिन फिर भी हमें कुछ इस तरह की कोशिश करनी है, इस तरह से माइंडसेट बनाना है कि हमें इन चीजों का इफेक्ट ना हो, हमें ये चीजें ना अटैच कर पाए। दूसरी एक चीज और है हमारे अंदर अच्छे और बुरे की, कुछ लोग हमें पसंद है कुछ हमें पसंद नहीं है। मान लीजिए मैच से पहले एक ऐसा आदमी आपके सामने से आ गया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसकी शक्ल देखते ही आपका बीपी एकदम से पंप मार जाता है, आपके क्या नाम दिमाग फटने को तैयार हो जाता है, तो क्या करें उसके लिए। अब उस आदमी को तो गोली मार नहीं सकते आप, और वो ये भी नहीं कर सकते कि वो आपके सामने ना आए, तो क्या करें। तो सिंपल फंडा है, वैसे तो मैं बड़ी छोटी छोटी जो अंग्रेजी किताबों वाली टेक्निक है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो आपकी समस्या का मूल समाधान नहीं कर सकते। मैं उस वो समस्या ही उत्पन्न ना हो, मैं दवाई नहीं दूंगा आपको, मैं ये बताऊंगा कि आपको वो बीमारी ही ना हो, तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी ढूंढने की, दवाई के लिए फिर भी आपको मेडिकल स्टोर जाना पड़ेगा, तो आपको वो समस्या ही ना। तो इसलिए क्या करें, जिस आदमी की शक्ल आपको पसंद नहीं है, जो आदमी आपको पसंद नहीं है, उसके पास में जाइए, आपकी गलती है या नहीं है उससे माफी मांगिए और बोलिए कि मैं खत्म करता हूँ अपनी जो भी दुश्मनी, अपना जो भी वाद है विवाद है, अपना जो भी डिस्प्यूट है, मैं खत्म करता हूँ, मुझे देना है ये लीजिए, मुझे लेना है, आप देना चाहते हैं ठीक है, नहीं देना चाहते हैं मैं फिर भी और देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने दिमाग से, मेरे दिमाग में जो गंदगी भरी है आपके प्रति मैं खत्म करना चाहता हूँ, आज से मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, आप मेरे लिए गौण हो गए हो, समान हो गए हो, जैसा मैं एक अननोन आदमी को जानता हूँ वैसे ही आपको जानता हूँ, आपकी बुरी छवि को मैं मेरे दिमाग में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता। बुरा वो है, बुरा उसने किया आपके साथ में, और उसकी उस छवि उस घटना को कैरी फॉरवर्ड आप अपने दिमाग के अंदर कर रहे हैं जो कि आपका नाश करने पर तुला हुआ है, तो क्यों भाई उसको क्यों फॉरवर्ड करें हम अपने साथ में। तो इसलिए उसके पास में जाइए और जाकर के कह दीजिए कि मुझे जो है आपसे कोई दुर्भावना नहीं है, मैं माफी मांगता हूँ अपनी सारी गलतियों के लिए, अपने कर्मों के लिए, कुकर्मों के लिए, जो मैंने किया, अगर मैंने किया तो भी, नहीं किया तो भी, भाई माफ कर दो मुझे और मैं इस चीज को आज ही यहीं पे समझौते पे खत्म करता हूँ। या फिर इसके अलावा और किसी भी तरह का कोई भी आदमी है, चाहे आपको माफी मांगनी है या आपको किसी को माफ करना है, मान लीजिए किसी आदमी ने आपके साथ में बुरा कर दिया, वो तो नहीं आएगा आपसे माफी मांगने के लिए, तो आप अपने अंदर इस चीज का संकल्प लीजिए कि मैं उसे माफ करता हूँ, बेशक उसने मेरा नुकसान किया था, उसने मेरी गाड़ी तोड़ दी थी, उसने मेरी साइकिल की हवा निकाल दी थी, मेरा टायर फाड़ दिया था, पंचर कर दिया था, मेरी पिस्टल के उस दिन उसने गिरा दी थी टेबल से, मेरी पिस्टल टूट गई थी, मेरा पैलेट चोरी कर लिया था, मेरी किताब फाड़ दी थी, मेरा शॉर्पनर रबड़ पेंसिल चोरी कर लिया था, जिस भी प्रकार का आपका मसला है आप अपने मन से उसको निकाल दीजिए और माफ कर दीजिए और ईश्वर को साक्षी मान करके, ईश्वर को अपने सामने साक्षी रखिए और साक्षी भाव से कहिए कि मैं आज के बाद में इस आदमी से कोई लेना देना नहीं रखता हूँ, ये मेरे लिए सामान्य है, मैं अपने अंदर की सारी दुर्भावनाएं खत्म करता हूँ, मैं आज से इसको दोषी नहीं मानता हूँ, मेरी ही बुद्धि खराब थी, मेरे ही कमजोर था कि मैं उस वक्त निर्णय नहीं ले पाया, और उसको आप माफ कर दीजिए, तो ये आपके अंदर एक और पॉजिटिवनेस आ गई, तो अब आप क्या प्योर हो गए, आप नाकाउट से बैर और नाकाउट से दोस्ती वाले स्टेज पे आ गए, तो ये एक अच्छा हो गया आपके सामने। अब जबकि क्वेश्चन आंसर का टाइम है, उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, हमारी साइकोलॉजी और जितने पेरेंट्स जुड़े हुए हैं या जो पेरेंट्स बाद में इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए एक संदेश मैं देना चाहूंगा कि
थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी, एक लोफर की, एक ड्रग एडिक्ट की, एक क्रिमिनल की, और उस मूवी को बड़े ही लोगों ने बड़े चाव से देखा और लगभग 350 करोड़ रुपए उस मूवी ने कमाया। और अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई है, हॉकी के पूर्व कैप्टन और फिलहाल में हरियाणा के खेल मंत्री हैं, हॉकी फ्लिकर संदीप सिंह, संदीप सिंह जी की, संदीप सिंह जी की स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा है। उनको 22 अगस्त 2006 के अंदर, वो 24 अगस्त को वर्ल्ड कप जाने वाले थे, 22 अगस्त को एक आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के बंदे से बाई मिस्टेक 9mm पिस्टल की गोली चलने से उनकी कमर में गोली लग गई। वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले ट्रेन के अंदर, ट्रेन से वो कहीं जा रहे थे अपनी टीम को अटेंड करने के लिए, अंबाला की बात है। अब क्या हुआ, उस बंदे ने तुरंत, वो जो बंदा उनके गोली लगी और वो जो जिसके हाथ से चली वो पिस्टल सामने लेकर के आया कि सॉरी मैं, मेरे हाथ से आपको गोली लगी, मैं मारना नहीं चाहता, गलती से होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने तुरंत फोन निकाला, उनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी पे गोली लगी है बैक के अंदर, और कमर से नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया, तुरंत सुन्न हो गया। उन्होंने अपना फोन निकाला, अपने कोच को और अपने भाई को फोन किया कि मुझे ऐसे ऐसे भाई मिस्टेक एक्सीडेंटल गोली लग गई है, मैं क्या करूं। तो बोले कि ठीक है आप पीजीआई रोहतक पहुंचो, हम आते हैं। वो पीजीआई रोहतक पहुंचते हैं, वहां उनका ट्रीटमेंट होता है, कई हफ्ते बाद में उनको होश आता है, उनका पूरा बॉडी पैरालाइज है। डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप जो है, जब उनको होश आता है तो डॉक्टर्स की टीम बैठी होती है और वो उनको पूरा एनालाइज बताता है कि आप लाइफ में कभी हॉकी खेलना तो बहुत दूर की बात है, हॉकी स्टिक के सहारे चलना भी आप भूल जाइए, बड़ी गनीमत है कि अगर आप व्हीलचेयर पे बैठे रह सके। तो संदीप सिंह ने सिर्फ एक ही बात कही, संदीप सिंह और मैं जब ये 2010 कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुआ था तब शूटिंग और हॉकी टीम पूना के अंदर थी, तो तब से मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं, तब हमारी बात हुई थी, अभी 2 महीने पहले भी हिंदुस्तान टाइम्स के प्रोग्राम में ताज होटल में मिले थे जब वो आए थे। तो उनका खुद का ये वर्डिंग है कि मैंने उन डॉक्टर्स को बोला कि आप खड़े हो जाइए और भाग जाइए, वो दरवाजा रखा हुआ सामने, दरवाजा दरवाजे से बाहर निकल जाइए, मुझे यहाँ पे नेगेटिव बात करने वाला एक भी आदमी नहीं चाहिए जो मेरे दिमाग को ये बताया कि मैं ये नहीं कर सकता। और उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट चला कुछ दिन के लिए, कुछ दिन बाद में उन्होंने अपने भाई जो कि खुद एक खिलाड़ी थे, अपने भाई को कहा कि मुझे बाहर लेकर के चलिए यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो बड़े चोरी छुपे पेरेंट्स से और डॉक्टर से छुप के व्हीलचेयर पे बैठे और उसके बाद हॉस्पिटल में घूमे, फिर वो एक सुखना लेक है वहाँ पे घूमने के लिए गए, फिर दीवार के सहारे धीरे धीरे चले, हॉकी स्टिक से चले, और रिहैबिलिटेशन के लिए वो फॉरेन कंट्री गए। 6 महीने बाद में अपना ठीक होकर के अपने पैरों पे चल करके वापस आते हैं, उसके बाद इंडियन टीम में वापसी करने के लिए फाइट करते हैं। एक मैच का उनको मौका दिया जाता है फेडरेशन की तरफ से, उस मैच के अंदर 5 गोल मारते हैं, उसके बाद फिर वापसी करते हैं इंडियन टीम के अंदर, इंडियन टीम उनको हॉकी का कैप्टन बनाती है। इंडियन हॉकी टीम धनराज पिल्ले जी के बाद में उनके कार्यकाल में उनकी कप्तानी के अंदर सबसे ज्यादा अचीवमेंट हासिल करती है, लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाइंग करने वाले मैच के अंदर संदीप सिंह सबसे ज्यादा 5 गोल मारते हैं, वर्ल्ड के टॉप 5 हॉकी प्लेयर्स के अंदर संदीप सिंह का की गिनती होती है। 2011 के अंदर उनको अर्जुन अवार्ड मिलता है और 145 की स्पीड से फ्लिक करने वाले हॉकी के खिलाड़ी बनते हैं संदीप सिंह। तो ये होती है विल पावर, मेंटल ट्रेनिंग, ये होता है उनका माइंडसेट ऐसे करना। तो ये जो पूरा वाकया मैंने आपको बताया, ये इसलिए बताया पेरेंट्स को और उन सब लोगों को अपने ऊपर धिक्कार होना चाहिए, उन जितने भी लोग इस बात को अभी आगे सुनेंगे, कि एक लोफर की मूवी देखने के लिए पूरा देश चला गया और उन लोगों ने 350 करोड़ कमाए, जो एक ड्रग एडिक्ट था, जो एक क्रिमिनल था, जो AK-47 रखता है, जिसने पूरी उम्र अय्याशी की अपने बाप के पैसों पे, एक फिल्म स्टार है वो, आप समझ गए होंगे, नाम नहीं लूंगा मैं, उसकी मूवी देखने के लिए 350, मतलब कितने भी लोग हैं, 350 करोड़ कमाया है। और संदीप सिंह की जब मूवी आती है तो वो 3.5 करोड़ कमा के खत्म हो जाती है। तो ये जो साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक आपकी साइकोलॉजी नहीं सुधरेगी। जब आपका बाप उस मूवी को देखने के लिए जाएगा जो एक लोफर के ऊपर बनी है, तो आपका बेटा बोलेगा कि नहीं, मेरे बाप का हीरो वो है जो एक लोफर है, जो एक ड्रग एडिक्ट है, तो उस बेटे का भी हीरो वही होगा और उस बेटे की भी साइकोलॉजी वही बनेगी।
तो अपने घर के अंदर पहले साइकोलॉजी को ठीक कीजिए, उसके बाद में सोचिए कि अपने बच्चों की साइकोलॉजी ठीक होगी। ये मेरा मैसेज है आप सभी के लिए। कैन वी टेक सम क्वेश्चंस? जय हिंद। अभी सर कोई भी क्वेश्चन हो तो। हाँ हाँ, ये हैंड रेज किया हुआ है जितेश, कैन यू प्लीज आस्क द क्वेश्चन, अनम्यूट पीपल हु हैव रेज्ड द हैंड्स। जितेश प्लीज टेक योर क्वेश्चन। श्रवण, अच्छा शिवान अरोरा का हैंड रेज है, प्लीज उनको उनको ले लीजिए आप। ओके सर। हाँ सर, माय क्वेश्चन इज दैट कि जब एक सीरीज 99, 97 या 98 की लग रही है तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है कि अगली सीरीज भी अच्छी लगेगी, तो अगली सीरीज खराब हो जाती है, तो एक्साइटमेंट को कैसे कंट्रोल करें? अभी अभी मैंने वही बताया है कि आप अच्छी सीरीज से खुश होना बंद कर दीजिए, अगली सीरीज का डर लगना बंद हो जाएगा आपको। आपकी अच्छी लगी तो खुश मत होइए, आप जीरो रहिए कि अच्छी लगी कोई बात नहीं, भूल जाइए। एक शॉट आपने चलाया, अच्छा आपने पूरा प्रयास किया, अच्छा चले चल गया, अच्छा लगा या बुरा चला, उससे अपने इमोशन को मत जोड़िए, अपने इमोशन को अपने संवेगों को उस अच्छे या बुरे से जोड़िए ही मत। ये एक आपकी ड्यूटी थी, आपका कर्म था, आपने किया, खत्म। आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना कि मेरी एक अच्छी लग गई है, अब अगली भी अच्छी लगनी चाहिए, तो यू आर एक्सपेक्टिंग, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि अब अगली भी अच्छी लगे। तो आपने क्या किया, आपने आपका दिमाग अब क्या करना है वो भूल गया है, अब वो सिर्फ इसी चीज की माला जप रहा है कि अच्छा करना है क्योंकि पिछला अच्छा हुआ था। ठीक है, तो इस चीज से दिमाग को हटाइए, कोशिश कीजिए कि सिर्फ कर्म पे रहें, बिकॉज व्हेन एवर यू आर एट द लाइन यू आर जस्ट ए शूटर, यू आर नॉट ए फिलोसोफर। आप थिंकर नहीं हो उस टाइम पे, आप सोचिए मत, आप सिर्फ करिए, कर्म पे ध्यान दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी आपको। नेक्स्ट संदीप सिंह ने हैंड रेज किया है, कैन यू आस्क देम टू अनम्यूट प्लीज। हेलो सर। यस संदीप बताएं। सर मेरा नाम राहुल चौधरी है। सर मैंने पहले भी दो दिन से वीडियो देख रहा हूँ सर, मैंने क्वेश्चन किया है, तो सर मैं प्रैक्टिस पूछना चाहता हूँ सर, मतलब मॉर्निंग में जाके कैसे स्टार्ट करूँ, डंबल करूँ पहले, कि मोस्टली मैं डंबल कर रहा हूँ जब से मैंने शूटिंग स्टार्ट करी है, तो डंबल फिर वॉल होल्डिंग ऐसे प्रैक्टिस। जब रेंज के अंदर आप जा रहे हैं तो वहाँ डंबल से करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में पिस्टल अगर है तो आप आधे घंटे करीब पिस्टल से प्रैक्टिस कीजिए, ट्रिगर के साथ में ट्रिगरिंग कीजिए और उसके बाद में फायर कीजिए, टारगेट पे फायर कीजिए। लेकिन टारगेट पे फायर कैसे करना है मैंने परसों के वीडियो में बताया था। हाँ, वैसे फायर नहीं करना, एक शॉट चलाना या एक एक शॉट चलाना है और हर शॉट की एक प्लानिंग होनी चाहिए कि ये शॉट मुझे किस चीज के लिए चलाना है, इसमें मैं क्या चीज पे फोकस करने वाला हूँ, मैं किस पार्ट पे ट्रेनिंग करने वाला हूँ, तो उस पार्ट के ऊपर फोकस करके वो चलाइए। मान लीजिए कि साइड पर फोकस करना है तो मेरी साइड 100% परफेक्ट होनी चाहिए, वैसे ट्रिगर या ब्रीथ या ग्रिप मेरी गलत हो जाए, तो जब ग्रिप पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ग्रिप 100% सही होनी चाहिए, बाकी चीजें चाहे गलत हो जाए। तो एक एक चीज को आप ट्रेन करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीजें वेल ट्रेन हो जाएंगी, उसके बाद जब आप मैच में खड़े होंगे तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये चीजें ऑटोमेटिक काम करनी शुरू कर देंगी। जैसे आप साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपके हाथ ये जो इंडिकेटर देने के लिए अंगूठे, पैर के पंजे, ब्रेक दे रहे हैं, गियर डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये ऑटो मोड पे आ जाएगी आपके बॉडी पास। सर वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 4 o'clock। Yes, sir. So it's my request. Okay. We'll continue with the session again on Monday. So till then, please bear with us. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you everybody. लेकिन जो YouTube चैनल के ऊपर वीडियोस हैं उनके अंदर एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक घंटे का पार्ट है, तो वहां आप जा सकते हैं, कोच शूटिंग कोच ओम प्रकाश चौधरी के नाम से YouTube पेज है, तो उसके ऊपर आपको करीब 50 वीडियो मिलेंगे, तो एक एक पार्ट को आप ध्यान से सुने और उसके बाद उसको समझें और उसके बाद इम्प्लीमेंट करें उसके ऊपर। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।